हाँ नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा डेंटोस के बारे में। एक ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट है। इसमें कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लीकेट है ये मैं आपको पहचाना इसकी बताऊंगा आज। ये देखिए मेरे पास दो डेंटोस हैं, बाज़ार में डल्ले से बिक रही है दोनों। अब आपको दिखाता हूँ पहले ओरिजिनल। तो ये हमारा डेंटोस है, ये ओरिजिनल है। इसके सिक्कम आप जान सकते हैं, ये देखिए इसकी जो कंपनी की ब्रांडिंग होती है ये एकदम महीन होगी। इसका ये आपको MRP दिख जाएगी। और यहाँ गौर से देखोगे तो इसके अंदर डेंटोस नाम दिखेगा आपको। ये देखिए इस ब्लू प्रिंट के अंदर डेंटोस नाम दिखेगा। दूसरी पहचान ये हमारी देखिए बोर्ड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, ये एकदम महीन और साफ लिखा हुआ है। ये क्लोरोथियोडीन 50% WDG, ये साफ लिखा हुआ है। ये तो है ओरिजिनल। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ये है, और इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर ये देखो ये सील इससे पैक आएगी। ये है ओरिजिनल। और इसको हल्का सा प्रेस करोगे तो ये टूट जाएगी सील। और इसकी नीचे से ये देखो आप M4 का लोगो आएगा। ये इसका डेंटोस का जो इसका लोगो आता है ये आएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको डुप्लीकेट जो बाज़ार में बिक रही है। देखिए किसान भाइयों, यह है डुप्लीकेट। इसके अंदर आप कितना भी गौर करके देख लो, इसके अंदर यहाँ डेंटोस नाम नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए बोर्ड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कितना मोटा मोटा लिखा हुआ है। और व्यस्त ध्यान से देखिए ओरिजिनल में बोर्ड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में फ़र्क देखिए आप। इसमें टेक्निकल नाम लिखा हुआ है, उसमें आप फ़र्क देख सकते हैं साफ साफ। इसका पीछे से आप ये देखो, ये कंपनी का लोगो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट लोगो है। ये जो मार्कर्स है या कोई कुछ कंपनी है वो बनाती है, वो अपना नाम यहाँ M6 या M4 ये इस नाम से लिखती है। ये इसमें ये डुप्लीकेट में ये देखो क्या लिखा हुआ है, और ये HDPE2 लिखा हुआ है। ये रिसाइकल बिन का, चलो ये तो लोगो इसी में लगाया हुआ है। अब इसका जो है ये माइनर मिस्टेक दिखाता हूँ आपकी। ये देखिए इसमें माइनर मिस्टेक, आप इसमें पढ़ ही नहीं सकते क्या लिखा हुआ है अगले ने। इसमें आप क्लियरली साफ साफ पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ दो ही लैंग्वेज लिखी हुई है, इसके अंदर आपको चार लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, 1, 2, 3 और 4। चार लैंग्वेज में इस ये विवरण लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों में देख सकते हैं, ये देखिए MRP देखिए आप, जो ये बेस नंबर उत्पादन तिथि ये देखिए, और इस ओरिजिनल की देखिए आप, ये बेस नंबर दिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये डेट मैन्युफैक्चर है, उत्पादन तिथि है, एक्सपायरी डेट है, MRP लिखी हुई है। दोनों में सेम लिखी हुई है MRP, तो 1875। लेकिन ये 100-200 रुपये में बनने वाली का जब आप 1200-1300 रुपये दोगे, या ओरिजिनल चीज़ का जो एक कंपनी निश्चित मार्जिन के तहत चलती है, इसमें देख के सब कुछ डुप्लीकेट लिखा हुआ है। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए रजिस्टर ट्रेडमार्क इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए रजिस्टर ट्रेडमार्क क्या लिखा हुआ है इसमें। ये जापान करके कुछ और भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है इधर। ये ओरिजिनल है, इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए इसकी प्रिंटिंग। अब इसको खोल कर दिखाता हूँ, ये डुप्लीकेट है, ये आपको खोल कर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये खेल हो रहा है, ये ओरिजिनल की सील साल मशीन से लगी हुई नहीं है, नाम लिखा हुआ है ये अंदर ये है। तो किसान भाइयों, बाज़ार में डुप्लीकेट डेंटोस आ रहा है उससे बचे। निश्चित जो अधिकृत विक्रेता है उन्हीं से खरीदें, और अच्छी तरह से देख कर खरीदें, क्योंकि आप ये सीड ट्रीटमेंट का जब ग्राउंड नट में सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर इससे करोगे तो फिर आप दुकानदार को या ये विश्वास ख़त्म हो जाएगा कि ये देखो डेंटोस लगाया था फिर भी गोजा लट लग गई। तो सर अगर आप डुप्लीकेट डेंटोस लगाओगे तो गोजा लट लगेगी ही लगेगी। ये देखिए दोनों में फ़र्क, दोनों में सेम कॉपी की है, लेकिन सेम कॉपी कभी नहीं होती, कुछ माइनर मिस्टेक हमेशा रहती है। कंपनी अपनी जो ओरिजिनल प्रिंटिंग है वो कभी किसी को नहीं देती, उसमें माइनर मिस्टेक रहना संभव। धन्यवाद किसान भाई।